हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ ट्रैफिक में क्योंकि सिग्नल हो गया है रेड और मैं वेट कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से एक ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो मैंने कैमरे को सेट कर लिया है और बस निकलने की तैयारी में हूँ। और ये देखिए, हमारे लेफ्ट में जो है कुछ सब्जियाँ बिक रही हैं, देख रहे हैं। हरा चना है, पपीता है, मशरूम है, फिर आपको कैप्सिकम है, अलग अलग कलर का, ऑरेंज भी है, रेड भी है, ग्रीन वाला नहीं देख रहा है। सो गाइस, सब्जियां तो बिकती रहेगी। आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो कि है रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन। तो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हो यार, सबसे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट भी करो और बेल वाले आइकन भी प्रेस करो, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और तुम उसको पहले देख पाओगे। क्योंकि इतनी तो बोरिंग होती नहीं है, तो देख लो यार सबसे पहले क्या दिक्कत है। और मे भी कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है तो आप बता सकते हो, मैं उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करूँगा और ले आऊँगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आ गया हूँ मैं ढाकमंगला मेन चौराहे पर और देख सकते हो यहाँ पर बिक रहे हैं प्लांट्स, ठेले पर ले जा रहे हैं। ये ठेले वाला भी अपने साइड नहीं आता, अपनी गली में, नहीं तो दिक्कत नहीं होती, मुझे लाना पड़ता है प्लांट्स बाहर से। सो गाइस, देख सकते हो कितने सारे मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर खुल गए हैं। ट्रैफिक कितनी हो गई है। एक टाइम जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता कि आज से 10 साल बाद यहाँ पर चलने के लिए अच्छी सी जगह बचेगी, जिस तरह से बाइक्स बिक रहे हैं। आगे आ गया हूँ मैं गेट पर। तो कुछ फॉर्मेलिटीज पार्किंग की होने के बाद मैं निकल पड़ा अगेन। तो इस पर तो आपने देखा होगा, अगर मेरे जो चैनल में मेरे वीडियोस देखते हो आप, तो उसमें आप देखा होगा आपने कि यहाँ पर 3-4 वीडियोस पहले से ही बना चुका हूँ मैं। 3-4 बना चुका हूँ, ये शायद 5वां वीडियो है मेरा। तो नहीं, जिन्होंने नहीं देखना है वो जाओ जाकर देखो एक बार और लाइक एंड कमेंट भी करो उस पर भी। वो ये एक काफी पुराना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसको रेगुलेट करता है नगर पालिका, यानी कि पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो मैं भी अपना यहाँ पर कुछ काम से आया हूँ जिसको मुझे पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ही जाके करना है। तो यहाँ पर मेन ऑफिस है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, तो मैं भी एक ऐसा ही फालतू सा काम यहाँ पर करने आया हूँ, क्योंकि अच्छा काम तो नहीं है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ और अपना मूड खराब करूँ। तो क्योंकि नॉर्मली लोग होते हैं कि खुशियाँ शेयर करते हैं और गम में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो अगर कभी बात पड़ी तो फ्यूचर में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। फिलहाल कर लेते हैं अपना काम। मैं ढूंढ रहा हूँ पार्किंग। तो देख सकते हो किस तरह से बाइक कार सब यहाँ पे पार्क की जगह नहीं मिल रही है। तो मैं लेफ्ट साइड में पार्क करने की कोशिश करता हूँ, अगर वहाँ पर खाली रहे। और ये देखिए एक टनल छोटा सा, जहाँ पर से मैं हजारों क्या लाखों बार गुजर चुका हूँ। और सेम जगह जहाँ पर मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये देखिए मेहंदी वाला, और लड़कियाँ मेहंदी लगवा रही हैं, तो जिनको मेहंदी लगवाना है वो आ सकते हैं यहाँ पर। लड़के आओ, लड़कियाँ आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लगवा सकते हो। तो मिल गया है मुझे पार्किंग स्पेस, कर देता हूँ मैं बाइक को पार्क। सो गाइस, हो गया है अपना काम और मैं वापस से जा रहा हूँ बाइक को करना स्टार्ट। मिरर को किसी ने टर्न कर दिया था तो मैंने उसको वापस प्लेस कर दिया। तो अब लेंगे यहाँ से राइट। सनग्लास लगाना काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो गया है, तो कीड़े मकोड़े, धूल, कुछ भी आंखों में जा सकता है, तो प्रोटेक्शन जरूरी है। तो मैं मास्क लगाता हूँ, ग्लव्स पहनता हूँ, सनग्लास लगाता हूँ और सबसे जरूरी हेलमेट लगाता हूँ और पूरी प्रोटेक्शन के साथ निकलता हूँ। तो ये है सुबह का नजारा।
देख सकते हो यहाँ पे कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं। वो ये देखो बीच में गाड़ियां खड़ा कर दी है इन्होंने। तो मैं जा रहा हूँ मौर्य लोग के पीछे वाले गेट से, जहां से मैं एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सुबह का कुछ खास नहीं है, सन्नाटा दिख रहा है पूरी तरह से, जैसा देख रहे हो वीडियो में। कुछ खास मजा नहीं आया, बोरिंग टाइप का लग रहा है यहाँ पर आकर आज। ये है राइट में जाकर, ये देखिए एंट्री एग्जिट है। तो मैं यहाँ पर से, ये देखो यहाँ पर बन गया है थोड़ा चेकिंग का पॉइंट, और ये देखो यहाँ से तो लगा दिया है दोनों गेट पे चेकिंग पॉइंट, आप बिना पेमेंट किए जा नहीं सकते हो। तो अपना काम हो गया, और यहाँ से निकलते हैं और रूट पर जाते हैं अगेन। तो यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, जो कि जाता है इस्कॉन टेंपल की ओर। तो जो लोग पटना के हो तो वो तो जानते हो कि पटना में खुला है इस्कॉन टेंपल, खुला नहीं बना है। और जो नहीं जानते हो मेरे वीडियोस में देख सकते हो, यहाँ का पटना का काफ़ी फेमस इस्कॉन टेंपल। इस्कॉन टेंपल नॉर्मली तो इंडिया में काफ़ी पार्ट्स में है, बट पटना का भी एक अलग वैल्यूबल है, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है यहाँ पे, काफ़ी खर्च हुआ बनाने में। तो हम तो अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर से मैं आपको यहाँ पर एक व्यू करा देता हूँ। और यहाँ पर जाम काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जाने वालों की अच्छी संख्या है। तो ये देखिए बच्चा, तो ये है पाल होटल, और इसके बस जस्ट बगल में ये आप देख रहे हैं कि गेट है, और ये मॉर्निंग का व्यू है, हल्की फुल्की धूप है। तो गेट तो खाली दिख रहा है, बट यहाँ पर आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी है। एक टाइम यहाँ पर अशोक सिनेमा हॉल भी था। यहाँ पर नहीं, अपने लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर आगे जाकर आएगा फ्लाईओवर, जो कि सीधा जाएगा महावीर मंदिर के सामने से क्रॉस करता हुआ। तो ये है सुबह का नज़ारा। अपने काम को ख़त्म करने के बाद मैं वापस जा रहा हूँ घर की ओर, और यहाँ से मारेंगे लेफ्ट टर्न। आने वाला है सर्कल, और कमेंट करना जरूर जरूर करो कमेंट, एक वीडियो कैसा लगता है, कुछ गड़बड़ी है कमी है वो भी बताओ, और मैं उसमें ज़रूर वो चीज़ डालने की कोशिश करूँगा जो कमी है। यहाँ से मैंने लिया है लेफ्ट टर्न, आप देख सकते हो यहाँ से महावीर मंदिर दिख रहा है, वो देखो अपना महावीर मंदिर दिख रहा है, आगे मस्जिद भी दिख रहा है। तो इस फ्लाईओवर पे जाम कम मिलता है नॉर्मली, बट अगर जाम मिलता है तो आप घंटे फंसे रह सकते हो यहाँ पर। लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पर तो लगभग 2 घंटे फंसा रहा, तो उस समय में मोटो ब्लॉगिंग का मूड था, बट अच्छा हुआ कि मैंने कैमरे को बंद कर लिया, क्योंकि मुझे ये देखिए महावीर स्थान का अच्छा लुक आ रहा है मंदिर का। मुझे नहीं पता कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट मुझे तो अच्छा दिख रहा है। बैरिकेडिंग कर दी गई है दोनों साइड से, तो थोड़ी दिक्कत होती है देखने में, लेकिन ठीक भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लोग काफ़ी जाम करते थे रास्ता, सेल्फी लेते थे, वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे, तो एक्सीडेंट का खतरा होता था और जाम भी लग जाता था। तो ये देखो नीचे का व्यू। तो अभी मैं यहाँ से आगे जाकर राइट टर्न लूँगा, और फिर जाएंगे हम लोग पटना सिटी वाले रोड में, और उसके पहले हमें देखना होगा कि ट्रैफिक क्या क्या सीन है, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी और सब्सक्राइबर है कम, इसके लिए हमको ये भी ध्यान देना होगा कि ट्रैफिक ना हो। अगर ट्रैफिक होगी तो मैं वीडियो नेक्स्ट बार में बना लूँगा। ये देखिए काफ़ी तेज़ लोग चला रहे हैं बाइक, स्कूटी भी काफ़ी तेज़ चल रही है, ऑटो भी काफ़ी तेज़ चला रहे हैं लोग। और ये देखिए बच्चा इस तरह देखता हुआ।
अच्छी खासी स्पीड, तो फिलहाल मुझे रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैं रेस लूँगा तो सब पीछे हो जाएंगे, तो मैं रेस नहीं लेता हूँ। सेफ्टी रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस हो गई है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक, और मुझे लगता है आगे भी जाके काफ़ी ट्रैफिक होगी, तो यहीं पर वीडियो को करते हैं स्टॉप और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वही वाला सेम रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पर लाइक एंड कमेंट भी करें, और आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।